बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सतवतन तलहास चैनल। आज हम आपके साथ मिलके गूंदेंगे आटा। रोटियां बनाने के लिए अगर इस तरीके से आटा गूंदा जाए तो रोटियां बहुत ही अच्छी, टेस्टी और सॉफ्ट बनती हैं। बेहतरीन रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले आप ले लें आधा किलो गंदम का आटा। उसके बाद उसमें डाल दें एक चम्मच नमक और दो से तीन चम्मच ऑयल के। इसके बाद आपने नमक और ऑयल को आटे के अंदर मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते जाना है। पानी एकदम ही सारा का सारा मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा कुछ पोर्शन गूंद चुका है, तो फिर अब इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है कि आपने जो खुश्क आटा रह जाना है उसके ऊपर पानी डालते जाना है और उसको भी इस तरीके से इकट्ठा कर लेना है। जब थोड़ा सा और पोर्शन गूंद जाए तो फिर आपने इसको बाकी के आटा जो गूंद के रखा होगा उसके साथ मिक्स करते जाना है। अगर आपको अच्छी रोटियां बनानी है तो ना ही आपको आटा बहुत ही पतला बहता हुआ रखना है और ना ही बहुत सख्त गूंदना है। आटा सॉफ्ट गूंदें लेकिन इतना भी नहीं कि जब आप पेड़े बनाएं रोटियां बेलने लगें तो वो फटने लग जाए, टूटने लग जाए और आपसे संभल भी ना पाए। अब जब ये आखिरी का आटा बच जाए फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इस पूरे आटे को इकट्ठा करने के बाद आपने पूरी परात पर मल लेना है। आटा आपको ऐसा गूंदना है कि जो आपकी परात है वो भी साफ रहे। तो हम ऐसा करेंगे कि जितना भी परात पे आटा लगा हुआ है उसको भी साथ के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा आटा गूंदने की यही निशानी है कि जब आप आटा गूंदें तो आपके हाथ पे भी आटा ना लगा रहे और ना ही परात पे लगा रहे। अब क्या करना है, अब आटे को कसना है। अब आपने मुक्कों से इसको कूट लेना है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जितना आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि जितना ज़्यादा आप इसको कसेंगे उतना ही अच्छा आटा गूंदेगा और उतनी ही अच्छी रोटियाँ बनेंगी। अगर आपको लगे कि आटा आपसे संभल नहीं रहा या चिपक रहा है तो फिर आप अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, उसके बाद आप इसी गूंदाई करें, या फिर आप पानी वाले हाथों से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही नमक डाल दिया था, मैं थोड़ा अपना काम बचाने के लिए पहले ही नमक डाल देती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले आटा पूरा गूंदें उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए रख दें, जब थोड़ा आटा सेटल हो जाए उसके बाद नमक डालें और फिर उसकी गूंदाई दोबारा कर लें। अब आप मेरे हाथ देख सकते हैं कि मेरे हाथों पे ज़रा सा भी आटा नहीं लगा हुआ, मेरे हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो आपने भी आटा ऐसे ही गूंद लेना है। इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख देना है। 5 से 10 मिनट के लिए आटे को सेटल होने के लिए रख देना है, उसके बाद फिर वापस से गूंदाई कर लेनी है। अगर आपने पहले नमक ऐड नहीं किया तो आप इस स्टेप पर नमक डाल लीजिए और साथ साथ गूंदाई कर लीजिए। नमक डालें तो थोड़ा सा उसके ऊपर पानी छिड़क लीजिए, उसके बाद फिर आपने गूंदाई करनी है। हमारी गूंदाई कंप्लीट हो चुकी है और हमारा आटा तैयार है। अब आप इस स्टेप पर आटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बाउल में और उसके टॉप पे पानी वाले हाथों से टैप कर दीजिए और कवर करके फ्रिज में रख लीजिए, और जब रोटियां पकानी हो तो फिर आप पका लीजिए। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं अभी ही इसके पेड़े बना के रख लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच घी। अब हल्का हल्का हाथों पर घी लगा के इसके पेड़े बनाने हैं। मैंने आटे को तोड़ लिया है और उसके काफ़ी सारे पोर्शन बना दिए हैं और अब इसके पेड़े बना लूँगी। इसके लिए आपने लगाना है थोड़ा सा अपने हाथों पे घी, और जिस साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है उस हिसाब से आपने आटा ले लेना है। मैं ना ही बहुत छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी और ना ही बहुत बड़े बड़े पेड़े बनाऊँगी, नॉर्मल साइज़ के होंगे। पेड़े बनाने का एक स्टाइल होता है जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारी माएँ वगैरह बनाती हैं। सच कहूँ तो मुझसे वैसे पेड़े नहीं बनते हैं। अगर आपसे भी उस तरीके से पेड़े नहीं बनते तो आप भी इस तरीके से पेड़े बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा आटा ले लेना है। इसके बाद आपने वो स्टेप फॉलो करना है जो हम यूज़ करते हैं पराठे बनाने के लिए। जैसे आलू के पराठे बनाते हुए हम आलू की फिलिंग करते हैं और इसको रोल करते जाते हैं, उसी तरीके से आपने पेड़े बना लेना है। उसी तरीके से रोल करते जाना है और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको निकाल देना है और फिर इसको राउंड कर लेना है। तो आप किसी भी तरीके से पेड़े बना सकते हैं, लेकिन इस पेड़ों का ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं। वैसे बनेंगे सही बिल्कुल, लेकिन ड्रॉबैक ये होगा कि जो हमारे बुज़ुर्ग होंगे उनको ये स्टाइल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब छोटी थी तभी मैं आटा गूंदती थी और जो है ना पेड़े बनाती थी, तो मुझे उस तरीके से नहीं बनते थे जिस तरह से मेरी मम्मा बनाती थी। तो फिर जब वो उस तरह से नहीं मेरा हाथ चलता था तो फिर मम्मा ने कहा कि ये तरीका है, कि मेरी एक मम्मा नहीं है वो मेरी कज़न भी लगती हैं तो वो इस तरीके से पेड़े बनाती हैं क्योंकि उनसे भी नहीं बनते। तो फिर मैंने ये स्टेप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। रोटियां भी बेहतरीन बन जाती हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं आता। लेकिन एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी जो नानी है ना वो तंदूर पे रोटियां बनाती थी, तो वो बना रही थी तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया और मुझे कहा कि पेड़े बनाओ,
और जब मैंने इस तरह के पेड़े बनाए तो मेरी नानी ने मेरे पेड़ों को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने सारे पेड़े तोड़े और वापस से अपने स्टाइल में बनाए और फिर ही रोटियाँ बनाई। तो बस यही एक ड्रॉबैक है, उसके अलावा रोटियाँ आपकी बेहतरीन बन जाएंगी। वैसे तो मैंने जब मेरी शादी के बाद मैंने 1.5 साल रोटियाँ तो नहीं बनाई, बिकॉज़ हमारे तंदूर साथी था और हम तंदूर से रोटियाँ ले लेते थे। और अब इस टाइम यहाँ पे कोई तंदूर नहीं है और रोटियाँ लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, इसकी वजह से मैं आजकल रोटियाँ घर पे बनाती हूँ। उसके लिए मैं यही स्टेप सारे फॉलो करती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ कि सारे के सारे पेड़े बनाती जाती हूँ और एक प्लेट लेती हूँ और उसके अंदर सारे पेड़े रख देती हूँ। क्योंकि इसके अंदर घी का इस्तेमाल हुआ हुआ है तो क्या होता है कि जो पेड़े होते हैं वो आपस में नहीं चिपकते। आप इसके अलावा भी आप अगर आपको लगे कि आपके पेड़े चिपक रहे हैं तो आप हर पेड़े पर हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा दें, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो पेड़े होंगे वो आपस में चिपकेंगे नहीं। इसके अलावा आप शॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सारे के सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कुछ रोटियां अभी बना लेंगे और बाकी के पेड़ों को ढक कर फ्रिज में रख देंगे, और जब दोबारा रोटियां बना रही होंगी तो निकालेंगे, रोटियां बेलेंगे, बना लेंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।